हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एपिक गार्डनिंग। आप सभी का वेलकम करता हूँ गाइज मेरे इस गार्डनिंग से रिच चैनल के ऊपर। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं इस प्लांट के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये देखिए, ये एक सीडम का प्लांट है और इसके केयर की बात मैं आज करने वाला हूँ। हमें इसमें गर्मियों में कैसे इसकी केयर करनी है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइज, ये मैं एक छोटा सा प्लांट लाया था। मैंने इसकी वीडियो भी आपसे शेयर की थी, आपने नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पर राइट में इसकी लिंक दे दूँगा। तो ये देखिए अभी कितना बड़ा हो गया है, और देखिए दो छोटे छोटे से पप भी अभी दे रहा है। तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, पर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि अभी समझ आ रहा है तो अभी सबके साथ ही ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा लीफ एक साथ में ड्रॉप हो रहे थे, तो मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से हो गए थे। सो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलिए इसकी केयर की बात भी कर लेते हैं, हमें इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है प्लांट को। तो ये गाइस, वैसे सभी सैक्रेंट प्लांट्स में मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा हम वाटर दे देते हैं, मतलब ओवर वाटरिंग कर देते हैं, या फिर अंडर वाटरिंग कर देते हैं, मतलब कम वाटरिंग करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ही वाटरिंग कर देते हैं, ताकि इसकी रूट्स सारी कुछ गल जाती है और इसके लीफ में ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं इसकी सॉइल भी चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले चलिए इसकी रूट्स निकाल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं वेट करता हूँ, और ये देखिए कितना बड़ा प्लांट हो गया। इसको अभी एक किसी का सहारा देना पड़ता है, तभी ये खड़ा रहता है, और बहुत छोटे से पॉट में रहता है, क्योंकि सभी सैकुलेंट प्लांट की रूट्स बहुत ज़्यादा शैलो होती है, बहुत ज़्यादा छोटी सी होती है। तो इसी वजह से बहुत छोटे से पॉट में भी ये बहुत अच्छे से चल जाता है। तो ये देखिए, मैं सारा कुछ तोड़ ही रहा हूँ, देखिए। अरे अरे, निकल जा। ओके गाइज, ये देखिए ये निकल गया, और साथ में मैंने लीफ भी तोड़ दी। तो पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इसकी लीफ टूटती है हम इसको बहुत ईजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक और तोड़ दी, और एक और यहाँ पर है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्लांट बना लूँगा इनमें से ही। वैसे मैं किसी भी प्लांट में किसी भी इसको वेस्ट नहीं जाने देता, मैं सभी को यूज़ कर लेता हूँ, एक में से बहुत ज़्यादा प्लांट बना लेता हूँ। और ये देखिए, एक छोटा सा और भी निकल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए गाइस, इसका रूट बल्ब बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसकी रूट्स देखिए अच्छे से ग्रो कर रही है, और छोटी छोटी सी रूट्स होती है इसकी, बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ इसको मैं बहुत ज़्यादा छेड़ूँ नहीं, बस आपको मैं दिखाऊँ कि देखिए इसकी सॉइल कितनी ज़्यादा मॉइस्ट है, मतलब कुछ ज़्यादा ही मैं इसमें वाटरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको बालकनी में रखा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग हो जाती है, क्योंकि मैंने अपने जो मॉन्स्टर और वो सारे प्लांट है, मैंने सारे कुछ वहीं पर रखे अपने बालकनी में। तो मैं जब उसमें वाटरिंग करता हूँ तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वाटरिंग हो जाती है, मतलब थोड़ा सा इसमें मैं वाटरिंग देता ही नहीं, पर इसमें गिर ही जाता है थोड़ा सा वाटर, तो इसी वजह से इसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो गाइज, अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें इसको वापस रिपोर्ट कर दूँ। तो मैंने इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल ही ली है, जो कि मैंने पहले ही ली थी, तो इसमें रूट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बस वही सॉइल को वापस इसको लगा दूँगा, कि मुझे लगा कि इसमें रूट्स में भी कुछ प्रॉब्लम होगी, इसमें रूट्स गल गई होंगी शायद थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा, तो बस श्योर होना चाहता था, इसी वजह से मैंने इसको फिर से रिपोर्ट कर दिया। और इसको कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, इसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इसको आप रिपोर्ट कर सकते हो अच्छे से, और कोई भी टाइम पर आप कर सकते हो। तो गाइज, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, हाँ मैं बात कर रहा था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें सभी सेक्टर में यही होती है कि गाइज हम ज़्यादा वाटरिंग दे देते हैं, या फिर अंडर वाटरिंग दे देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा, मतलब सबसे आसान चीज़ वही है कि आप प्लान को देखिए, प्लान के लीफ को देखिए, ये सैकुलेंट अपने जो लीफ होते हैं उसमें वाटर स्टोर करके रखते हैं। तो आप ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे तो ये अपने जो लीफ होते हैं उसमें उसके लीफ एकदम सॉफ्ट से हो जाएंगे और पीले से हो जाएंगे। तो यही इसका साइन होता है कि जो सैकुलेंट प्लांट है उसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग हो रही है। और अंडर वाटरिंग का भी अलग ही होता है, जिसमें लीफ एकदम से ही बहुत ज़्यादा ड्राई, मतलब एकदम सूखे सूखे से हो जाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि प्लांट में बहुत ज़्यादा अंडर वाटरिंग हो रही है। पर देखिए, मेरे प्लांट में कोई भी अंडर वाटरिंग नहीं है, मतलब कोई भी एक भी लीफ ऐसा नहीं है जो सूख गया हो, मतलब पूरा, वैसे लीफ सूख ही जाते हैं, जैसे वो ओल्ड होते हैं वैसे वो सूख ही जाते हैं, पर एकदम से बहुत ज़्यादा लीफ सूखने लगे तो हमें
हमें पता चल जाता है कि इसमें ओवर अंडर वाटरिंग हुई है, और ओवर वाटरिंग तो का तो पता ही चल जाता है। ओवर वाटरिंग से लीफ एकदम से ही सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा गीला गीला सा हो जाता है, और उसमें कोई लिक्विड सा ऐसा कुछ इसमें भर जाता है। तो हमें ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग नहीं करनी है। तो ये देखिए गाइस, मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया, और ये देखिए अभी ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी इसमें ही इसको रहने दूंगा थोड़े टाइम तक, फिर बाद में थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, इसके बाद मैं इसको शिफ्ट करूँगा। तो गाइज़ चलिए इसकी केयर की बात भी कर लेते हैं, समझ में इसको कैसे हमें रखना है। तो सबसे पहले इसकी सन रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं गाइज़। इसको हमें थोड़ा सा शेमी शेड में रखना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको डार्क लाइट में भी नहीं रखना है, क्योंकि डार्क लाइट भी इसको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, और बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना है गाइज़। और ये देखिए गाइज़, मैंने यहाँ पर इसके लीफ को प्रोपगेट कर दिया है, तो ये जल्दी न्यू प्लांट बन जाएंगे। मैं इसमें बहुत कम वाटरिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा कम वाटरिंग करता हूँ। और गाइज़ इसको धूप बहुत कम चाहिए होती है, बहुत मतलब इतनी भी नहीं, इतनी कम भी नहीं चाहिए होती है, मतलब मीडियम इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। और इसमें ओवर वाटरिंग मत करिए, जब भी इसकी सॉइल पूरी ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप इसमें वाटरिंग करिए। और इसमें खाद की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर आप मंथ में एक बार जो हम कंपोस्ट ही बनाते हैं उसको, वो आप इसमें दे सकते हो, वो बहुत अच्छी होती है इस प्लांट के लिए। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही था। ये देखिए गाइज, मैंने देखिए यहाँ पर और भी सीटम के प्लांट लीफ से ग्रो किए थे, मैंने बहुत पहले ही प्लांट को ग्रो किया था। तो आप चाहते हो मैं कि एक सैकुलेंट को हमें कैसे लीफ से प्रोपोगेट करना है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझसे बताइएगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा ये बात भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक भी कर दीजिएगा। सो गाइज ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो बस इसको ऐसे ही रखने वाला हूँ। और मैं इसको बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट में रख दिया है, यही मेरी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं थोड़ा सा इसको शेड में भी कर दूँगा। और जितने भी ये इसके लीफ निकले हैं मैं इन सभी को प्रोपगेट कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो लीफ होते हैं, मतलब जो इसके जो इसका बेस होता है वहीं से ये थोड़े से सूख जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। पर ये देखिए ये इसका बेस बहुत अच्छा है, तो ये अच्छे से प्रोपगेट हो जाता है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही था। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, गुड डे, और ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें, और गुड बाय।